इनका रंग थोड़ा पीला पीला हो जाता है, ऐसे लग रहा है गोल्डन घोड़ा बटाया हुआ आपने। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। एवरीवन, कैसे हैं सब दोस्त? एनदर व्लॉग के साथ मियां साकिब, वाइल्ड लाइफ लवर। शुरू से बचपन से शौक है मुझे ये जानवरों का, वाइल्ड एनिमल्स का, शेर टाइगर वगैरह इसी तरह की सभी चीज़ों का मुझे शौक है। तो सबसे पहले जिस जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली आपको डेली की डेली वीडियोस मिलती रहें, अपडेट्स मिलती रहे। तो आज हमारी स्नो जो है इसका रह गया है थोड़ा सा स्किन का इन्फेक्शन, बाकी अल्लाह का शुक्र है सभी ठीक हो गए हैं। स्नो का माइनर सा रह गया, तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज फिर इसको एक दफ़ा हम पायोडिन स्क्रब के साथ नहला दें ताकि जो हल्का फुल्का है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाए। वैसे तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है, अभी हल्का सा मैंने इसको देखा है अभी तो मुझे फ़ील हुआ है, मैंने सोचा कि चलो एक दफ़ा हम इसको फिर नहला देते हैं। तो उसके अलावा हमने चील भी, क्योंकि उसको भी रेस्क्यू किया हुआ है, उसको भी खाना वगैरह साथ भी साथ डालना उसकी है मेडिकेशन भी चल रही है और उसको हम खाना भी अपने हाथों से खिला रहे हैं ताकि वो जल्द अज जल्द रिकवर करे और हम उसको आज़ाद कर सके। तो उससे पहले हमें स्नो को जो है हम पहले इसको गीला कर देते हैं, ताकि ये गीला करने के बाद हम इसको पायोडीन स्क्रब लगा देते हैं, ताकि इसको हमने जो 15-20 मिनट छोड़ना है उतनी देर हम अपनी चील के पास जाएंगे, चील को जाके मेडिकेशन करते हैं, उसको खाना वगैरह खिलाते हैं, उसके बाद आके इसको दोबारा शावर देंगे, फिर उसके बाद हमने मुफासा डियाना स्नो एलेस और उसको टाइकोन को भी सिर्फ शावर देना है, पायोडीन स्क्रब नहीं लगाना उनको क्योंकि वो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो चलते हैं, चुके हैं। पहले स्नो को गीला करते हैं। चल आ जा स्नो, इधर आ मेरा बच्चा, आ जा इधर आ। इसको मैंने इस केज में इसलिए किया है क्योंकि ये ज़रा छोटा केज है, तो इसके अंदर आसानी के साथ हम इसको पायोडीन स्क्रब भी लगा सकते हैं, इसको नहला भी सकते हैं, गीला भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इस केज में किया था, ये स्क्वीज केज के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो है ना पायोडीन स्क्रब इसको सही तरह लग नहीं सकी क्योंकि साइडों पे दीवारें हैं, तो कभी वो इस तरफ आ जाती थी कभी इस तरफ आ जाती थी। ये चारों साइड से ओपन है तो इसमें इसको पायोडीन स्क्रब जो है ना बड़ी आसानी के साथ हम इसको लगा सकते हैं। अगर इधर से नहीं तो उस साइड पे भी जा सकते हैं, फ्रंट पे भी आ सकते हैं, कहीं से भी जाके हम इसको लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पहले गीला कर लूँ, बाहर नहीं आना, बाहर तो बिल्कुल नहीं आना, बुरी बात है ना मेरा बच्चा ना, इधर आ, बाहर नहीं आना, बाहर क्यों आ रही है? को हमने गीला कर दिया है, अब हमने इसको पायोडीन स्क्रब जो है वो लगानी है प्रेशर गन के साथ ताकि इसके पूरी बॉडी के अंदर अच्छी तरह वो लग सके। इससे एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये डरती है कि ये पता नहीं मेरे साथ क्या करने लगे हैं, हालांकि हम तो इसके फायदे का ही काम कर रहे हैं, हम कोई नुकसान तो नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है वो जानवर है उसको आइडिया नहीं है ये है क्या। वो देखिए अभी से उसने जो है ना स्टार्ट कर दिया इधर उधर घूमना, तो मैं इसको गन ऑन कर देता हूँ। आज इसको बड़े सही तरीके से पायोडीन स्क्रब लगी, पहले हम इसकी मिकदार हमने कम रखी हुई थी पायोडीन स्क्रब की, जिसकी वजह से इसका कलर इस तरह नहीं होता था और ना सही तरह वो पतली पतली सी रहती थी और स्किन पे सही तरह लगती नहीं थी। लेकिन आज हमने दो बोतलें जो है ना उसको थोड़ा पानी डाल के, मतलब जितनी पायोडीन स्क्रब थी उतना ही पानी डाला साथ, वो डाल के मिक्स करके लगाया और आज इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गई है और इससे फ़र्क भी बड़ी जल्दी पड़ेगा। चले जी अब हम उतनी देर चलते हैं चील को देखते हैं, उतनी देर हम इसको 15-20 मिनट लगा रहने देते हैं क्योंकि चील भी हमारी इस टाइम भूखी है
उसको खाना ही खाने का टाइम हो। मैं जील के पास आ चुका हूँ, ये उसका जो है सिरप है और ये कलेची और चिकन हमने दोनों मिक्स करके जो हम इसको डेली दे रहे हैं। तो अब इसको हम पिलाते हैं, सबसे पहले तो सिरप पिलाना है इसको, ताकि ये बहुत ज़रूरी है। चलो भाई चल 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 सिरप। सिरप हो गया लेकिन वो पानी में बैठी हुई है, इसको पहले हम बाहर निकाल लें ताकि ये बाहर बाहर। अब ये देखें इसको काफ़ी फर्क पड़ चुका है पहले की नस्बत, वरना पहले तो इतना भी नहीं मूव करती थी। अब हम इसको थोड़ा सा ये खिला के देखते हैं अपने हाथ से, अगर तो हाथ से खा ले ठीक है, वरना फिर इसके आगे रख देंगे। चल ये लो खा लो जल्दी से। चलो ये नहीं जी, हमें इसके आगे जो है ना हमें डालना पड़ेगा क्योंकि वो डर रही है इस बहुत ज़्यादा, तो हम इसको ऐसे डाल दे। तो ये ऐसे ये हम इधर से साइड पे होंगे ना तो फिर ये खाना शुरू कर देगा। देखिए उसने मुँह में डाला तो है वो, देखते हैं ये अब खा रही है, खा लेगी अभी खुद ही क्योंकि इसका टाइम होगा खाने का। डेली खा लेती वैसे, जब हम इसके आगे डाल के जाते हैं हाथ से कई दफ़ा खा लेती कई दफ़ा नहीं खाती, तो जब हम डेली डाल के जाते तो फिर ये ख़त्म हो होता, इसका मतलब खा रही है। चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसने पहले से इम्प्रूव किया है काफ़ी, तो रिकवरी की तरफ आ रही है। तो मेरी तो कोशिश है जल्द अज जल्द ये रिकवर करें और हम इसको आज़ाद करें। तो चलिए जी अब हम चलते हैं स्नो की तरफ, स्नो का भी टाइम तकरीबन हो गया हुआ है, 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो अब हम स्नो की तरफ चलते हैं। हमने लगाया ना वो जज्ब हो गया बॉडी में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम मज़ीद 10 मिनट और दे दें, उतनी देर हमको अपने दूसरे बबल शेर को देखने दे। वो कब से मेरे इंतज़ार में खड़ा हुआ है, ये उधर ही लगा हुआ, मैं उसके पास नहीं आ रहा। हाँ जी क्या बात है, वो मेरा शहजादा, वो मेरी जान, मैं सदके जाऊँ क्या बात है, खाना नहीं खाना था तुमने हैं, जा खाना खा जा मेरा बच्चा, खा ले मेरा बच्चा, चल जा खाना खा जा। नहीं कटनी है, दिला दूँ पाइडेंस क्लब के साथ, दिला दूँ तुम्हें भी दिला दूँ हैं, तुम सही हो गए, तुम सही हो गए माशाल्लाह, है ना सही हो गया मेरा बच्चा। भाई जाना है भाई ना, कह रहे मुझे बाहर निकाल ले अंदर नहीं, आ जा भाई जाना है, क्या बात है बुरी बात है, बाहर नहीं आना, हम पहले स्नो को निलाएंगे फिर हम बाहर निकालेंगे। क्यों भाई स्नो? नहीं जी स्नो का टाइम हो गया पूरा, अब जितनी देर हमने पाइडन स्क्रब लगानी थी वो तकरीबन कोई 30 मिनट हो गए। अब इसको पानी से अच्छी तरह शावर धो देते हैं ताकि पाइडन स्क्रब निकल जाए, क्योंकि उसका असर इतनी देर में हो जाता है, जो इसके बॉडी के ऊपर ज़ख्म जो कुछ भी था वो भी इतनी देर में सही हो जाते हैं और ये साफ़ भी हो जाएगी। तो चले जी अब हम इसको नहलाते हैं, चला स्नो। देखिए इसके अंदर से कैसे मैल भी निकल रही है, वो देखिए नीचे सारी मैल इसके जिस बॉडी में से साफ़ हो रही है। इसका ये बहुत फ़ायदा है कि इससे साफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अंदर तक मैल इसके जो है ना वो निकल आती है। तो सब हम इसको अच्छी तरह ज़रा पानी से शावर दे लें ताकि ये पायोडीन स्क्रब जो है अच्छी तरह इसके अंदर से निकल जाए और फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगी। बस ये अब एक दफ़ा की ज़रूरत थी, वो अब इस दफ़ा लग गई है, अब नेक्स्ट हमें इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको पायोडीन स्क्रब के साथ नहलाने की। और अगर ये ज़रूरी नहीं है कि इनके कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो फिर ही आप इनके साथ नहला सकते हैं, आप इसको वैसे भी पायोडीन स्क्रब के साथ नहला सकते हैं, वो इनकी स्किन के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे अक्सर ये आपस में जब खेलते हैं तो बॉडी के ऊपर जो है ना अक्सर इनके वो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं एक दूसरे के साथ खेलने में, तो उसमें भी जो है ना ये बड़ी ठीक रहती है। इधर 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 स्नो इधर बात, प्रेशर गन से जो है ना पानी आ रहा है थोड़ा, तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको डायरेक्ट जो है ना पाइप के साथ नहला दूं ताकि उसके साथ आसानी से और जल्दी पानी ज़्यादा आएगा ये जल्दी साफ़ हो जाएगी। इधर आ स्नो, आ जा इधर आ,
ये देखें इसके साथ जो है ना ज़रा पानी की का प्रेशर तेज़ है, उसमें पानी आता है थोड़ा थोड़ा, तो ये इससे जल्दी जो है ना हम इसको शावर दे सकते हैं। हाँ सुनो, अभी जब ये ड्राई होगी ना तो फिर इसका पता चलेगा सही कि ये मतलब साफ़ हो, अब नहा चुकी है, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, ये देखें साफ़ सुथरी हो गई बिल्कुल। ये जो इसके स्क्रैच स्क्रूच थे वो सारे ड्राई हो गए हुए हैं, अब इसके बाल आना शुरू हो गए, मतलब इसका मतलब है कि ये ठीक हो रही है। तो चले अभी हम इसको उधर ड्राई जगह पे छोड़ते हैं, यहाँ पे ये जो जगह है इधर ज़रा वाइपर लगने वाला है, इसको अच्छी तरह वाइपर लगवा के तो फिर इसको हम इधर कर देते हैं ताकि ये खुश्क हो जाए। फिर खुश्क होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं खुद भी बल्कि देखता हूँ कि इसके जो निशान थे वो रिकवर हो गए, क्योंकि पानी लगा होता है तो फिर इतना आइडिया नहीं होता। तो जब ये खुश्क हो जाएगी बिल्कुल तो फिर पता चलेगा कि इसकी बॉडी रेड जो है ना, रेडनेस तो नहीं है इसकी बॉडी पे, जो इसके वो इन्फेक्शन थे स्किन इन्फेक्शन वो बिल्कुल ठीक है, ये खुश्क होने पे पता चलेगा। तो चलें जी अब मैं चलता हूँ नीचे, नीचे चलते हैं जाके ज़रा मैं अपने बच्चों को देखूँ बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे आवाज़ें दे रहे हैं कि बाबा हमें भी टाइम दे दिया करें। तो मैं अब अपने बच्चों के पास चलता हूँ, उनको थोड़ा टाइम देते हैं। जी चलें नीचे। मनु आप क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, आपके बाल तो बड़े प्यारे, आज तो कपड़े बड़े प्यारे पहने हुए हैं, ये दिखाओ ज़रा, ये सामने आके दिखाओ ज़रा। वाओ शलवार कमीज में बड़ी प्यारी लग रही हो आप, हैं मनु? बताओ, बोलो, बोल क्यों नहीं रही आप? वैसे तो बहुत बोलती हो आप, हैं? अब शर्म आ रही है? मुझे अच्छी लग रही हो आप, वाकई में अच्छी लग रही हो। इसको तो बंद करो, इसको ये वाला, इधर आओ, आगे आओ, इसको बंद करो, इसको ये इसको बंद करो, ऐसे गिरा लगाओ। इसको आती है आपको गिरा लगानी? नहीं, नहीं आती। मैं लगा देता हूँ, दिखाओ मैं गिरा लगाऊँ ये, फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे करते हैं। आपको पता ही नहीं है अभी तक? हाँ पता ही नहीं है आपको, ये कैसी बात होगी? ये आप चाय भी नहीं लगी हैं? तो पिए फिर, पी क्यों नहीं रही बताओ? क्यों नहीं पी रही? आपने नहीं पढ़ना था टीचर से? क्यों, बुरी बात है? आपने फर्स्ट नहीं आना? फिर फर्स्ट आना है, आना है या नहीं आना बताओ? तो फिर फर्स्ट आओ, फर्स्ट नहीं आओगी तो फिर मोबाइल कैसे मिलेगा आपको? तो आईफोन चाहिए आपा जैसा, चाहिए मिलेगा, चाहिए ना? जब आप फर्स्ट आओगी, आपा फर्स्ट आई है ना, तो आपा को आईफोन मिल गया। बोलो, नहीं बोलना। आपने खाना खाया? नहीं। नहीं खाया? नहीं। क्यों नहीं खाया? मामा ने नहीं दिया। मामा ने नहीं दिया? मामा की होती पिटाई, सबर करे जरा मामा। चलो मुझे ये चला के दिखाओ, कौन लेके आया ये स्कूटी? आगे आके चला के दिखाओ ना। वाह आपको चलानी आ गई है? इसकी ब्रेक भी है आपको पता है? तो ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। ओए इधर आगे आगे चलाओ ना, आगे आगे चलाओ, आ गया, शाबाश चलाओ, वेरी गुड। आप ही को तो साइकिल चलानी भी नहीं आई अभी तक, आपको स्कूटी चलानी आ गई है ना, है ना मानो? वाह इसकी तो लाइट भी चलती है इसके टायर में, म्यूजिक भी है ना इसके अंदर, म्यूजिक ऑन करो, करना आता है आपको? ऑन म्यूजिक ऑन करो ज़रा, जल्दी से ऑन करो, करो ऑन। ये देखे ज़रा ये कितनी चलाक है। ओए होए होए मानो आपको तो सारा ही पता है। चलाओ चलाओ, वाओ आप स्कूल भी इसके ऊपर ही जाया करो, ठीक है? स्कूल अपनी गाड़ी पे जाया करो ना। माशाल्लाह इसको अपनी पता है, इसको सारे बटन, इसको हर चीज़ का पता है, ये कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। मानो आप तो बहुत तेज़ होगी हो, हैं? पढ़ा भी करो ना, इतना पढ़ती हो आप, हैं?
अच्छा देखो जी, ये हमारा डंगर बेटा ये देखो बेटा बाबू इसके... ये कल मामा भी चला रही जी, मामा नहीं चला रही थी बेटा, तुम भी चला रहे हो। ये तुम लोगों के लिए दिए ट्रैवलिंग के लिए, वॉशरूम भी इसी पे जाया करो, घर में घूमना फिरना पानी पुनी पीने जाना ना इसी पे जाया करो। इसी पे जाते हैं, देखो दरवाजा खोलो कौन आया। ये देखो जी, ये मैंने लेके दी है सबसे छोटी बेटी को, और ये चला कौन रहा है, ये मेरा बेटा। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुँह पे क्या उल्टी लगी हुई है, मुझे नहीं मिल रही है। वो मैंने गौर से ना बड़ा ना इतना बड़ा इतनी बड़ी सुमान, खाना ज्यादा खाया करो, आपके जितना मोटा हो जाऊंगा। तुम मोटे तो हो, नाक मोटा होता जा रहा है तुम्हारा। हाँ बाबा, वैसे आपने इतनी महंगी जमीन ले लिया, आपके माथे पे हम इतना लग्जरी फार्म हाउस बना सकते हैं। अच्छा जी, नहीं नहीं अपनी बेइज्जती करो, अब मेरे पे ना डालो। अच्छा ना जी, हाँ ऊपर घास भी काम है। हाँ जी हाँ जी, खाओ 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 जल्दी से, हाँ नंगे बैठ रहे तो हर टाइम निकल पहन के, तमीज नहीं है तुम्हें। हाँ जी, अब किधर से आ गए हो, ये देखा तुम ही आए, तुम बाद में आए, पहले नाक आया ना, आया ना, ये देखो ये देखो साइकिल क्या से जी। इनको क्यों कैद किया हुआ है, इनको तो खोलो, इनको खोल दो यार, इनको खोल दो बाहर। ये खुले रहते हैं, वो दरवाजा बाहर खुला हुआ है, ये देखो इनको ना बंद किया करो, छोटा हो गया केज अब ये। अंदर वालेकुम सलाम, कहाँ से आई हो आप, वो देखो कैसे आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, हैं देखो ये बड़े हो गए अब जी। है ना जी, हाँ मफिन बड़ा हो गया, ये देखो ये देखो, ओहो वो मार रहा उसको, ये देखो जरा मफिन, ये आवाज दो बुलाओ इसको, ये देखो वो आ गए आ गए आ गए, हाँ जॉर्डन जॉर्डन, ये देखो साथ ही खुश हो गया, आपको देख के खुश हो जाता है वैसे ही। ये दोनों गंदे हुए हैं, इनको नहलाया भी नहीं काफी दिनों से, हैं ना कल इनको शावर देंगे, ये देखा ब्रश भी नहीं किया मेरा, हला इनको नहीं, इनको ब्रश करते हैं, ब्रश किया इनको, ब्रश रोज करते हैं। हाँ जी, आप भी साइकिल चला लो। मैं नहीं साइकिल चला रहा, मैं तो वैसे ही स्मार्ट हूँ, मैं अपने कपड़े प्रेस करा रहा, मैं नहाने लगा, शेर लिए मेरे कपड़े इस्त्री कर, मैं कट रहा। अच्छा हैं, अच्छा कट दे, मैं इस्त्री मैं कट के रख देना उधर इस्त्री स्टैंड पे। चलो जी, ये कपड़े अब चलते हैं बाहर। शेर लिए मैं इस्त्री स्टैंड पे रखते ना कपड़े, इन्हें इस्त्री कर, मैं नहाने लगा। हैं जी, मैं फ्रेश हो गया हूँ और शाम भी हो गई है, और अब स्नो के पास चलते हैं, स्नो को देखते हैं कि स्नो हमारी की क्या कंडीशन है। और स्नो माशाल्लाह वो सुकून से आराम से अपने उधर लेटी हुई है। जी मैं स्नो के पास आ चुका हूँ, स्नो माशाल्लाह देखे कैसे साफ सुथरी और चमक रही है, इसके साथ इनका रंग थोड़ा पीला पीला हो जाता है, ऐसे लग रहा है गोल्डन घोड़ा बटाया हुआ है आपने, क्योंकि असल तो इसका कलर वाइट है लेकिन पायोडीन स्क्रब चूँकि पीली रंग का उसका कलर होता है, इस वजह से सारा कलर आ जाता है, लेकिन वो इतना इशू नहीं है, सेहत तंदुरुस्ती होना ज़्यादा इशू है, हमें कलर से कोई इतना नहीं है, कलर यहूदी वाइट हो जाएगा ये जैसे ही मौसम ज़रा बेहतर होगा, सर्दियाँ आना शुरू होंगी तो ये बगैर नहाए इतने वाइट हो जाते हैं, इतने साफ़ सुथरे हो जाते हैं कि ऐसे लगता है इनको हमने डेली नहलाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब ये देखें माशाल्लाह इसके एलर्जी वगैरह सारी जो है ना मैं देख रहा हूँ इधर से कि बिल्कुल सही है, ये देखें कोई इधर नहीं है, निशान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। बस अब जहाँ पे पहले एलर्जी थी ये इस जगह पे निशान थे, उस जगह पे बाल आना शुरू हो गए हैं, वो रेडनेस ख़त्म हो गई है, वो वाइट हो गया है, और जो ज़रा ज़्यादा रेड था वहाँ पर वो हिस्सा ब्लैक होना शुरू हो गया, वो क्रीम टाइप आ रहा है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, अभी तंदुरुस्त है। क्यों सुनो, और क्या बात है मेरा बच्चा, और मेरी जान, मैं सदके जाऊं।
बुरी बात है, ये बड़ी शरारती है, शरारतें बड़ी करती है ये हमारे साथ, है ना, शरारतें करती है ना। चल जा उधर जा, चला जा इधर, इधर आ जा स्नो, चला इधर आ। चले जी हम स्नो को इधर करते हैं क्योंकि हमने मुफासा वगैरह को भी बाहर निकालना है। चला जा, आज नहीं है जी उधर जाने का, तो इसलिए तो हम बाहर चलते हैं। अभी उधर जाएगी फिर हम उसको निकाल देंगे बाद में, शाम का टाइम हो गया। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल मियाँ साकिब इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।